दोस्तों इस मुल्क ने देखा है कि कैसे हिंदूवादी संगठन के लोग कभी मस्जिद पर चढ़ जाते हैं, कभी हिजाब वाली बच्चियों से बदसलूकी करते हैं, जाली दार टोपी जो पहने हुए हैं बच्चे उनसे बदसलूकी की जाती है, मुस्लिम बुजुर्गों की दाढ़ी नोची जाती है। यही नहीं, डंके की चोट पर कभी मंच सजाकर, कभी चौक चौराहे पर खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। लेकिन अब तक ऐसा कभी भी किसी भी हिंदूवादी संगठन के किसी भी जहरीले भाषण और बयान देने वाले व्यक्ति के साथ नहीं हुआ होगा, जो काम मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ हो रहा है। जी हां, नाम भूले तो नहीं है, मुफ्ती सलमान अजहरी, जिन पर आरोप लगाया गया कि गुजरात के जूनागढ़ में उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान एक भड़काऊ तकरीर दी थी। वो बात अलग है कि जब पूरा वीडियो निकलकर सामने आया था तो पोल पट्टी खुल गई थी कि कैसे आखिरी पोर्शन को केवल वायरल किया गया, जबकि पूरी की पूरी कहानी फिलिस्तीन के लिए थी, अरब देशों के लिए थी, उसका हमारे देश से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया, एक कोर्ट से जमानत मिली तो दूसरी कोर्ट में उनके खिलाफ मामला दर्ज, दूसरी तीसरी जगह जमानत मिलती, तीसरी जगह उनके खिलाफ मामला दर्ज, ऐसे अलग 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 इलाकों में FIR दर्ज कर करके लगातार मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्त में रखा जा रहा है। लेकिन इस बार जो खबर निकलकर सामने आई है उसको लेकर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी को ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रखने का कोई प्रोग्राम, कोई प्लान, कोई साजिश रची गई है? क्या सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के जरिए यह बताने की कोशिश तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों को दी जा रही एक संदेश देने की कोशिश है कि ज्यादा बोलने की हिम्मत मत करिए, हिमाकत मत करिएगा? क्या यह सब किया जा रहा है? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, यानी अब तक इस मामले में 3 कोर्ट जमानत दे चुकी है मुफ्ती सलमान अजहरी को, लेकिन उसके बाद भी रिहाई नहीं हो पा रही, अब उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करती है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। मैं मुफ्ती सलमान अजहरी की बात करूं उससे पहले मैं हल्द्वानी का जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि हल्द्वानी में जो कुछ हुआ, वहां जो टीम गई थी उसने पोल पट्टी खोलकर रख दी थी कि कैसे सरकार के या फिर कहिए सत्ता के इशारे पर अधिकारियों ने नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अगर निष्पक्ष तौर पर अभी कार्रवाई होना तो हल्द्वानी के बड़े बड़े सफेदपोश बड़े बड़े अधिकारी नप जाएंगे। अब मैं आता हूं फिर लौटकर आता हूं मुफ्ती सलमान अजहरी पर। तस्वीरें आपको याद होंगी, मुफ्ती सलमान अजहरी एक बयान देना, उसे वायरल करना, वायरल के आधार पर बताना कि किस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी ने हमारे ही देश के लोग, यानी हम हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की थी। पहले तो ये किया गया, आनन फानन में एक मामला दर्ज किया गया, जूनागढ़ से पुलिस पहुंचती है मुंबई, उन्हें गिरफ्तार करके लेकर जाती है, तब तक एक वायरल होती है पूरी वीडियो कि उन्होंने फिलिस्तीन के लिए शब्द का इस्तेमाल किया था कि एक दिन हमारा टाइम आएगा, ये होगा वो होगा, ये उन्होंने बात फिलिस्तीनी यानी मुसलमानों के लिए कहा था और अरब देशों के लिए भी कहा था। ये तमाम बातें उन्होंने कहा उसी लहजे में कही थी, कहीं पर भी हमारे देश का जिक्र नहीं था। जूनागढ़ की कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, जब वो बाहर निकले तो पता चला कि दूसरे जिले में उनके खिलाफ एक मामला दर्ज है, वहां उन्हें पुलिस ले गई, फिर पता चला वहां से जमानत मिली, तो जैसे ही वो कोर्ट से बाहर आ रहे थे तब तक एक और जिले की मोड़ा साहब की जो पुलिस थी वो इंतजार कर रही थी, उन्हें अपने साथ ले गई, वहां पर कोर्ट में पेश हुई, खबर है कि उन्हें जमानत मिल चुकी है। लेकिन तब तक जूनागढ़ के कलेक्टर साहब, कलेक्टर का मतलब समझ लीजिए एक तरीके से जिलाधिकारी DM, उन्होंने आदेश दिया कि सलमान अजहरी पर पासा लगेगा। अब ये पासा क्या है आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन खबर है कि अब इसके तहत उन्हें 3 महीने से लेकर 1 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। पहले वीडियो देख लीजिए। दरअसल अशरफ हुसैन नाम के एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने ट्वीट किया और क्या लिखा पढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी को नहीं मिली रिहाई, अब पासा की कार्रवाई। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मोड़ासा कोर्ट से कल जमानत मिली, शर्त लगाई गई कि पासपोर्ट जमा करवाइए, और फिर जूनागढ़ कलेक्टर का लेटर आया कि मौलाना को पासा की गई है, यानी कम से कम 3 महीने की जेल। मुफ्ती साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल भेज दिया गया है। अहमदाबाद सेंट्रल जेल की तस्वीरें थी। जब सत्ता और प्रशासन मिलकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का इरादा कर ले तो कानून के तौर पर किस कदर खेल हो सकता है, इसको आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस से बखूबी समझ सकते हैं। इन्होंने क्या लिखा है पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें लिखा है कि उनके केस में पहले तो एक जगह केस करके मुंबई से गिरफ्तार किया, फिर जब पहले केस में जमानत मिलती है तो दूसरी जगह पर FIR करके गिरफ्तार किया गया, जब दूसरी जगह जमानत मिली तो तीसरी जगह FIR करके गिरफ्तार कर लिएगा, और आखिरकार मोड़ासा से भी उनको जमानत मिली। तो जूनागढ़ के कलेक्टर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, जिसके बारे में अधिकतर लोगों को मालूम तक नहीं है, इसका इस्तेमाल किया गया। अब कहा गया है कि पासा कानून के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा होने से पहले ही दोबारा गिरफ्तार करवा दिया गया, और माना जा रहा है कि 3 महीने से लेकर तकरीबन साल भर तक जेल में रहना तय है उनका, यानी वो बाहर नहीं आ पाए। मैंने जो शुरुआत में आपसे कहा था, फिर मैं एक सवाल पूछता हूं, ये सिर्फ क्या मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ साजिश है
कि सलमान अजहरी के तहत उनके जरिए मुसलमानों को एक संदेश पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि यह कार्रवाई आपने अब तक हिंदूवादी संगठन के किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं देखी होगी। हिंदूवादी संगठन का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि यतीन नरसिंहानंद सरस्वती ने जब इसी तरह के बयान दिए, या और भी देख लीजिए कई लोग देते हैं ऐसे बयान, कई के तो नाम भी मुझे याद नहीं है, ऐसे ऐसे हैं भगवा पहनकर उन्होंने कई बार इस तरह से बयान दिया मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन अब तक ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि वो गिरफ्तार किए गए हों, रिहा होकर जैसे ही कोर्ट से बाहर आ रहे हैं कोर्ट ने जमानत की दी हो तुरंत दूसरे जिले की पुलिस पकड़ कर ले गई हो, फिर वहां से जमानत मिली तो तीसरे प्रदेश की या तीसरे जिले की पुलिस पकड़ कर ले गई हो, अब तक किसी हिंदूवादी संगठन के नेता के साथ नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं, उनके खिलाफ कभी पासा एक्ट के तहत कार्रवाई मैंने होते हुए अभी हाल फिलहाल में नहीं सुनी। ये मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ किया जा रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि 2024 का चुनाव बेहद करीब है और मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि शांत रहिए, इस तरह के बयान देने का हक सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो सलमान अजहरी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था देश के खिलाफ, लेकिन उनका कहना है कि ऐसे बयान देने का हक सिर्फ और सिर्फ हिंदूवादी संगठन के लोगों को है और किसी को नहीं है। ये क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? क्यों कह रहा हूं पढ़िए, पहले आप सुन लीजिए बयान AIMIM की तरफ से जो कुछ कहा है, सुनिए। अभी कुछ देर पहले ही मेरी हमारे वहाँ जो लॉयर्स है, हमारी MIM की पूरी जो टीम है, उनसे बात हुई, मगर वहाँ से फिर कलेक्टर का एक ऑर्डर आया है जिसमें उनको गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट पासा एक्ट के तहत पे उनको डिटेंशन का ऑर्डर दिया है। दरअसल इस खबर को नबारा टाइम्स ने भी छापा और क्या लिखा, पहले इनका जश्न देखिएगा नबारा टाइम्स का। इन्होंने कहा है कि गुजरात में भड़काऊ भाषण तकरीब पर घिरे मौलाना सलमान अजहरी को बेल के बाद नहीं मिली रिहाई, अब पासा के तहत एक्शन। पहले मेरा सवाल नबारा टाइम्स से भी है कि कहीं क्या किसी भी कोर्ट ने क्या ये कह दिया है कि वाकई सलमान अजहरी ने भड़काऊ भाषण दिया था, ये आरोप है, वो दोषी नहीं है। यानी इनको लिखना था कि कथित तौर पर गुजरात में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने पर, लेकिन इन्होंने सीधे सीधे लिखा है गुजरात में भड़काऊ भाषण तकरीर पर घिरे मौलाना सलमान अजहरी को बेल के बाद नहीं मिली रिहाई, अब पासा की तहत एक्शन। यानी कि इन्होंने मान लिया है कि, और इनकी खबर देखकर समझा जा सकता है कि किसके इशारे पर यह कार्रवाई की जा रही है। पासा एक्ट है क्या, वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया, समझिए कि सलमान अजहरी के साथ आगे क्या होने जा रहा है। गुजरात के पासा एक्ट को जानिए क्या है। ये 1985 में लाया गया था, 2020 में संशोधन हुआ था। असामाजिक और खतरनाक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कानून प्रभावी है। इसके बाद कई और चीजें इसमें जोड़ी गई 2020 में, जैसे नशीली दवाओं के प्रयोग को रोकने के लिए, यातायात अपराधियों को, संपत्ति हड़पने वालों पर भी शिकंजा कसेगा। 2020 में भी कहा गया कि साइबर अपराधों को भी इसमें शामिल किया गया, IT एक्ट के कई अपराध इसमें शामिल किए गए, धन उधार देने के आरोप भी इसमें अपराध भी शामिल किए गए, जैसे वसूली के लिए धमकी देना, बल प्रयोग आदि, बताए यौन अपराधी भी इसमें शामिल है। अब मैं जानना चाहता हूं चीजें, यौन अपराधी हैं क्या सलमान अजहरी? नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं। धन उधार देने वाला कोई ऐसा कि पैसे लेन देन वसूली के लिए धमकाया हो सलमान अजहरी ने? नहीं। 2020 में इसमें साइबर अपराध शामिल थे, साइबर अपराध उन्होंने किया, कोई IT एक्ट के तहत ऐसा कोई उल्लंघन उन्होंने किया? नहीं। नशीली दवाओं का लेकर यातायात अपराधों या संपत्ति हड़पने वाला काम किया? नहीं। अब आइए इसमें एक है, बस असामाजिक और खतरनाक गतिविधियों में शामिल लोगों पर। असामाजिक और खतरनाक गतिविधि कैसे हो जाएगी जब उनका पूरा बयान ही हमारे देश के खिलाफ नहीं है, हमारे देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये वाला एक्ट यकीन मानकर चलिए हिंदूवादी संगठन के लोगों पर लागू नहीं होता जो अपने ही देश के मुसलमानों को धमकी दिया करते हैं। फिर मैं एक सवाल पूछूंगा कि क्या वाकई मुफ्ती सलमान अजहरी को ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रखने का पूरा प्लान तैयार किया गया है? नमस्कार।